फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिट्स किचन। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक सिंधी स्पेशल कोकी। कोकी स्वीट रोटी जो बनती है गुड़ से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसका सिरप बनाएंगे। मैंने यहाँ लिया हाफ कप गुड़ और हाफ कप चीनी। इसमें हमने गरम पानी डाला हाफ कप और अब हम इसको बॉईल करने रख देंगे 5 मिनट के लिए। और जब तक इसका सिरप बनता है अब हम स्टार्ट करेंगे डो बनाना। तो चलो आइए देखते हैं इसका डो कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया, व्हीट फ्लार, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून फेनल सौंफ। अब 1/4 टीस्पून कार्डमम डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जितनी भी हम स्वीट डिश बनाते हैं उसमें कार्डमम ज़रूर डालते हैं, इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 4 टीस्पून देसी घी। अब ये सिरप रेडी हो चुका है, ठंडा हो गया है। अब हम इसको धीरे धीरे डालेंगे। अब ये डो रेडी हो चुका है, इसको अब रेस्ट के लिए 10-15 मिनट हम रख देंगे। अब इसकी बॉल बनाएंगे और उसके बाद इसको बेलेंगे। नीचे हमने पॉलिथीन लगाया है ताकि ये उस पर चिपके नहीं। अब हम इसका रोल बनाएंगे। पॉलिथीन लगाने से बहुत इजी हो जाता है बेलना। तो देखिए, अगर इस स्टाइल से पॉलिथीन लगाएंगे तो आप कोई भी स्टफ परांठा भी बनाएंगे तो भी चिपकेगा नहीं और इजीली आप निकाल कर तवे पे रख सकते हैं। तो अब हमने इसको बेल लिया है और इस पर कट दिया है ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। अब हम नेक्स्ट का भी सेम बॉल बनाएंगे और उसको हम जब रोल बनाएंगे तो ये थोड़ा सा ऑयल घी लगाएंगे, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, और इसको रोल बनाएंगे। और अगर रोल आसानी से ना बने तो आप इसको पॉलीथीन को कवर भी करके बना सकते हैं ईज़ली। तो देखिए ये आराम से नहीं बन रहा, टूट रही है। तो अब हम इसको कवर करेंगे और उसके बाद इसको रोल बनाएंगे। स्मूथली रोल बन जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। अब हम इस पर घी लगाएंगे और इसको फ्लिप करते रहेंगे ताकि क्रिस्पी भी रहे। और यहाँ पे मैं छोटी छोटी कोकी बना रही हूँ तो मेरे पास स्पेस है, तो मैं 2-3 इकट्ठी बना रही हूँ। तो आप अपने तवे के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फाइनली गुड़ की रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। आप इसको कर्ड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं, वाइट बटर, और चाय के साथ भी ले सकते हैं। और आपने देखा कितनी जल्दी रेडी हो गई है, 5 मिनट में मीठी रोटी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है यह मुझे इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिट्स किचन।